सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जो भी एब्डोमेन एरिया है या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो फेफड़ों के नीचे के पूरे हिस्से में कहीं भी दर्द हो तो लोग उसे पेट दर्द समझ लेते हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को पेट दर्द थोड़ा ढंग से समझाएं कि लोग फर्क कर पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन पूछा है आपने। पेट दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और कभी कभी जो जो पेशेंट महसूस करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, वो कभी कभी पेट ना हो के कुछ दूसरे ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। खास करके हम पेट को अगर हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं और जो एपिगैस्ट्रियम का एरिया होता है, जो हम जिसको बोलते हैं जो नेवल एरिया और जो हमारे सीने की हड्डी होती है उसके जस्ट बीच का पार्ट होता है, अगर वहाँ पे पेन हो रहा है तो पेट के अलावा कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी वहाँ पे दर्द हो सकता है। एक जो सबसे कॉमन हम जब देखते हैं तो जिसे हम एटिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं, कभी कभी जो हृदय संबंधित बीमारियों में भी मरीज़ को एपिगैस्ट्रिक एरिया में दर्द की शिकायत हो सकती है। ऐसे कंडीशन में जो लक्षण होते हैं हम उसके हिसाब से भी इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे पेट दर्द के अलावा अगर छाती के भीतर भारीपन या जकड़न महसूस हो रही है, या फिर आपका जो भारीपन या दर्द है वो आपको दाएं या बाएं हाथ में रेडिएट कर रहा है, या लोअर जॉ जिसे बोलते हैं वहाँ भी रेडिएट कर रहा है, या आपको अंदर से घबराहट महसूस हो रही है, या पसीना आ रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और पेट के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसके लिए भी आपको अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए। एक कंडीशन होती है जिसे हम अपने मेडिकल टर्म में पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, जो हर्ट होता है उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, उसके सूजन की वजह से भी कभी कभी दर्द होगा, वो आपको एपिगैस्ट्रिक एरिया में हो सकता है। एक अन्य कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम लोग DKA बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का जब शुगर की मात्रा अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पेट में दर्द की शिकायत के साथ मरीज आ सकते हैं। तो देखिए, ये 2-3 चीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें एक थॉरो इवैल्यूएशन होना चाहिए और हमें सिर्फ ऐसा नहीं समझ के रहना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट से ही संबंधित बीमारियां हैं, और हमें दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी सलाह को मान के पेशेंट के जो समुचित इलाज या समुचित जो डायग्नोसिस है उसके हिसाब से उनका उपचार करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक कॉमन चीज़ जो लोगों की प्रवृत्ति रहती है वो ये है कि पेट में ज़रा सा भी दर्द हुआ तो तुरंत पुदीन हरा खा लेते हैं, या ऐसे ही कोई गैस्ट्रिक के लिए कोई दवाई खा लेते हैं बिना सोचे समझे। तो क्या हर पेट का दर्द ऐसी दवाओं से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, आपका जो सवाल है बहुत ही जायज़ और रेलेवेंट है। देखिए, किसी भी पेट का दर्द मुख्यतः किसी न किसी रीज़न या कारण से होता है, और अगर पेट का दर्द जब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस कारण या रीज़न से हो रहा है, तब तक उसके लिए जो खास करके जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आजकल जो मेडिकल शॉप्स में उपलब्ध हैं, जो मरीज़ बार बार लेके वो खाते रहते हैं और एक तरह से अपना टेम्पररी इलाज खुद से करते रहते हैं, तो वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मरीज़ के लिए घातक हो सकता है। खास करके जो दर्द की दवाइयाँ जिसे NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उसके लेने से पेट की सूजन और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेट के अलावा दूसरे अंगों पे भी, जैसे किडनी पे भी ख़राब असर कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पेट दर्द क्यों हो रहा है उसके लिए आपने डॉक्टर से या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, और जो एग्जैक्ट रीज़न है उसका पता करके उसका इलाज उपयुक्त समय पे कराने से हम आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे बच सकते हैं, और जो बराबर जो दर्द की दवाइयाँ या जो सेल्फ मेड उपचार हैं वो कभी कभी मरीज़ के लिए घातक भी हो सकते हैं। जी।